तो लगभग महल से लगभग 50 या 100 मीटर पे महारानी लक्ष्मीबाई पार्क पड़ता है। काफ़ी बड़ा पार्क है भाई, ठीक है। और देख सकते हो काफ़ी सुंदर जगह है भाई ये पार्क, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई। सोचा क्यों नहीं आपको दिखा दूँ मैं पार्क भी। उसके लगभग 50 मीटर पे, 50 से 100 मीटर पे महल महल वहाँ आगे पे, ठीक है, और पार्क सामने पे है। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है, इस चीज़ के बारे में तो पता नहीं, जो भी है बहुत खतरनाक है भाई। ये पता नहीं कितने समय पुराना होगा, तो आपको पार्क दिखा देता हूँ पार्क कैसा है। बहुत बड़ा पार्क है भाई, बहुत बड़ा। ये देखो ये पार्क की सुंदरता देखो आप, अब यहाँ पर घूमने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ है नहीं, ठीक है ना। एक वाटरफॉल या आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा डैम है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी पता नहीं किस जगह पे है, मेरे को पता नहीं, मगर मैंने सुना है कि यहाँ पर घूमने के लिए वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। ये पार्क भी कुछ ऐसा है, और पार्क से मैं बाहर निकल गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ ताजमहल की तरफ। तो मैं आ गया हूँ अब हाईवे की तरफ, और झांसी का मार्केट मैंने पीछे छोड़ दिया। तो देख सकते हो अब अपना रूट सीधा है, बिल्कुल सीधा रूट है अपना, ठीक है भाई, ना इधर जाना ना इधर जाना, बिल्कुल सीधा रूट है। देखो हाईवे वो है, मैं थोड़ा इससे किनारे आया और आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहाया नहीं हूँ और मेरे सर में ना बहुत खुजली हो रही भाई, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा सर धो लो अपना। कल रात ही भाई जो वहाँ का बाथरूम था, जो कल रात जहाँ मेरा होटल किया था, वो बहुत गंदा था भाई, वहाँ अंदर घुसने में भी दिक्कत हो रही थी, और सबसे बड़ी बात वहाँ पानी नहीं आया था भाई, पहले मैं सर धो नहीं पाया। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी वक्त हो गया भाई, काफ़ी वक्त से मैं नहाया नहीं हूँ भाई, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, और सर पर इतनी खुजली हो रही, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो मैंने एक पानी की बोतल ली, और इससे क्या करूँ भाई, जब पानी है नहीं कहीं आगे तो इससे काम चलाना पड़ेगा, तो इससे मैं सर दूंगा अपना। शैम्पू भी लाएगी हमें, थोड़ा किनारे पे आया मैं हाईवे से, थोड़ा किनारे पे। और भाई सर से इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना भाई, बहुत भयंकर भाई। देख रहे हो तुम, टोपी पहन पहन के, मतलब इतने बाल टूट गए ना टोपी पहन पहन के। अब जाके भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब जाके भाई बहुत भयंकर फील। नहीं तो भाई
इतने बुरे हाल, खुजली इतनी भयंकर हो रही थी सर पे, बहुत बहुत भयंकर खुजली हो रही थी, बहुत भयंकर खुजली मेरे सर पे इतनी ज़्यादा हो रही थी और अभी भी हो रही है, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैंने सर नहीं धोया था, आज धोया तो थोड़ा बढ़िया फील हो रहा है। अब जाके थोड़ा राहत मिली भाई, बहुत भयंकर, नहीं तो खुजली कर करके भाई मैं बहुत परेशान हो गया था, और डैंड्रफ भाई सर में इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने कैप पहनी हुई थी और कैप में भाई इतना धूल है, इतना ज़्यादा धूल, रोड का सारा धूल, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पे ही आ गया होगा भाई। थोड़ी देर यहाँ पर रुकूँगा, उसके बाद सीधा चलूँगा यहाँ से अपने ट्रैक के ऊपर, ठीक है भाई। तो अपना ट्रैक देख रहे हो भाई, सीधा अपना ट्रैक, सीधा रूट है भाई, ऐसे ही रूट है पूरा अभी फ़िलहाल के लिए, और वो आगे जाके पता चलेगा कि आगे मार्केट मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर 5-10 मिनट बैठेंगे, थोड़ा बालों को सुखाएंगे अपने, उसके बाद चलेंगे सीधा भाई। सुबह को मैंने नाश्ता नहीं किया और लगभग 12 बज चुके हैं और मैं यहाँ हाईवे के ठीक किनारे पे नाश्ता करने के लिए रुका हूँ। वहाँ पर एक होटल है तो मैं यहीं पर रुक गया नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करेंगे फिर सीधा चलेंगे। आज से थोड़ा कम टाइम है तो मेरा नाश्ता 1-2 बजे करीब होता है, अगर होता है तो बाई चांस, वो तो मुझे होटल मिल गया लास्ट में, इसलिए मैं रुक गया नाश्ता करने के लिए, अगर नहीं मिलता फिर चलना पड़ता, फिर सीधा नाश्ता का 1-2-3 बजे होता है नाश्ता, फिर अगर होता है तो, अगर नहीं मिलता है वैसे हाईवे मैक्सिमम हाईवे में मिल जाता है होटल तो मिल ही जाता है, खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, रहने का पता नहीं भाई क्योंकि परसों से मैं देख रहा हूँ तो हाईवे में भी यहाँ रहने के लिए बिल्कुल होटल वोटल नहीं मिलते हैं। तो हम नाश्ता करते हैं, 2 पराठे मंगाए हैं मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 पराठे खाएंगे फिर अपना सर ट्रैक पर चलेंगे दोबारा। ये मेरा बैग है, तो ये अपने पराठे, मैंने पराठे खाने स्टार्ट कर दिए हैं और वो काफ़ी लग रही थी इसलिए मैंने वीडियो, मैं भूल गया, मैं वीडियो, मुझे वीडियो बनाने थे, मैं भूल गया उस चीज़ के बारे में, जैसे मुझे नाश्ता दिखा मैं खाना सीधा खाने में टूट पड़ा भाई एकदम से, और आधा से ज़्यादा मैंने खा ही लिया। बाद में मुझे याद आई कि अबे यार मुझे तो वीडियो बनानी थी भाई, बाद में याद आई मेरे को, तो नाश्ता करते हैं और चलते हैं फिर यहाँ सीधा। तो वही अपना खाना हो गया और निकलते हैं फिर अपने रूट पर। तो अब जाके थोड़ा बढ़िया जगह मिली है मेरे को, लेट निकले देख रहा, हाँ हाँ। तो ये बस स्टैंड है, अब जाके थोड़ा सा आराम करने के लिए जगह मिली है, थोड़ा यहाँ पर 15-20 मिनट रुकूँगा, उसको चलूँगा यहाँ से आराम से। धूप भी तो बहुत भयंकर हो रही भाई, बस बढ़िया है भाई, धूप हो रही कोई दिक्कत नहीं, गर्मियों में दिक्कत होती है धूप से, मगर ठंडियों में तो भाई धूप ही चाहिए अपने को। हवा भी चल रही है यहाँ से, हवा भी चल रही है और धूप भी आ रही है यहाँ से। तो भाई यहाँ आगे पर ढाबा है और थोड़ा वहाँ पर से पानी पुनी ले लेते हैं और चाय होगी तो चाय पी लेंगे भाई, वैसे मैं चाय पीता नहीं मगर ट्रैक, जब से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया तब से चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, चाय पीना सीख गया हूँ मैं ट्रैक में। चल चल देख रहे हो भाई, खाना खाने के लिए ऐसी खटियाँ होती हैं यहाँ पर और मेरी तो चाय आ गई, देख रहे हो चाय मंगा दी है। और आपको बता दूँ यहाँ से लगभग ग्वालियर जाना है, तो ग्वालियर भाई अभी तो बहुत दूर है, आगे जो पड़ेगा वो ग्वालियर पड़ेगा, और ग्वालियर तो भाई रात को पहुँचूँगा पता नहीं कितने बजे तक, मगर कोशिश करेंगे कि ग्वालियर पहुँच जाऊँ मैं। और एक पानी की बोतल मंगाई है मैंने पीने के लिए, क्योंकि जो मेरा पानी लिया था वो पानी तो मैंने
सर पे यूज़ कर लेता वाला पानी, तब से मैं अभी पी रहा हूँ पानी बस। जहाँ तक यहाँ मैंने ढाबों में देखा है कि यहाँ पर जहाँ तक खटियों का जो खटिया होती है ना, इनका यूज़ होता है, कुर्सी टेबल का बहुत कम यूज़ करते हैं ये लोग। बड़ी अब अच्छी बात है। अब छोड़ो कहाँ जाना है, यहीं पे रुक जाना है। सोने के लिए तो गद्दी मिली गई भाई, ये बस सो जाते हैं ना। मगर भाई होटल वाले भगा देंगे मेरे को, बोलेंगे हो गया तुम्हारा टाइम जाने का। तो चलेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा यहाँ पर आराम करेंगे। कल रात मैं सो गया था मगर फिर भी नींद आ रही, पता नहीं ऐसा क्यों यार भाई। अभी वालों की जब से मैंने ट्रैक किया तब से मैं आराम वाली, मतलब जो बोलते ना आराम से रहना आराम से सोना, तब से नहीं हुआ है भाई। जब मैं घर जाऊंगा ना तब जाके बिल्कुल आराम से सोऊंगा। अभी जितना हो सकूँ उतना चलूंगा और दवा के ट्रैक करूँगा। लो भाई हमारे भाई भी चाय लेके आ गए, रख दो भैया यहाँ पर, थैंक यू भाई। ये मेरी दूसरी चाय है। दूसरी चाय तो मैंने इसलिए मंगाई है सोने के पर्पज़ से, कुछ बोले ना यहाँ पर भाई, सोर का होता है यहाँ पर इसलिए भाई, और अच्छी भी हो रही चाय इसलिए मंगा रखी है। कब पहुँचेंगे हम दिल्ली, कब पहुँचेंगे हम, तो देखते हैं फिर, चाय पीते हैं निकलते हैं फिर यहाँ से भी थोड़ी देर बाद। भाई ने इस बार चाय फूल दे दी भाई।